दरवाजा खोलो। ये दरवाजा नहीं खुलेगा। राजकुमार मालेराव को उनके कक्ष में ले जाओ। छोड़ो हमें, बाहर जाने दो हमें। छोड़ो, ये सही नहीं है, ये जरा भी सही नहीं है। छोड़ो हमें, हम अभी भी कह रहे हैं छोड़ो, जाने दो हमें। हमें जाने दो, छोड़ो, हम अकेले जाएंगे। जाने दो हमें, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो हमें, छोड़ दो हमें। सब बचपना बंद करो मलेराव, मुझ पर भरोसा करो, मैं सब ठीक कर दूंगी, बस थोड़ा समय दो मुझे। समय, भरोसा? नहीं साहब, ना अब हमारे पास समय है और ना अब हमें आप पर भरोसा है। चलिए नहीं है, फिर भी हमने आप पर भरोसा किया, पर क्या आपको हम पर भरोसा है कि अगर हम कहें कि हम कहीं नहीं जाएंगे तो क्या आप हमें रिहा करवा सकती हैं? अगर हम आपसे कहें कि आप हमें थोड़ा समय दे दीजिए, हम सब ठीक कर देंगे, क्या आप समय देंगी? ऐसा है, अब ना हम दोनों के पास समय है और ना ही अब हम दोनों को एक दूसरे पर भरोसा है। सब ठीक कर दूंगी, मैं वादा करती हूँ। हम दावा करते हैं, आप कुछ ठीक नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं। कड़ा पहरा रखना। आ
आपको वाड़े का प्रतिरूप और चारों दिशाएं तो समझ में आ ही गई होंगी श्रीमंत। आज रात सासू भाई अपना दाव खेलेंगी और कल सूर्योदय के समय हमें वाड़े के पीछे घोड़ा तैयार रखना होगा। और हाँ, हमें कुछ सैनिकों की भी आवश्यकता पड़ेगी मालवा के सैनिकों को मार गिराने के लिए। आराम से सरकार। अब थोड़ा आराम कीजिए आप। क्या हुआ? क्या हुआ अहिल्या? आज बहुत याद आ रही है। किसकी? अपने आई और दाजी की याद आ रही है बहुत। हम है ना तुम्हारी आई, तुम्हारे पास। थक गई हूँ। जब इंसान को मंजिल पता होती है तब वो हर तरह की कोशिश करके उस मंजिल तक पहुंच जाता है, और जब मंजिल दिखाई ना दे रही हो तो शिव शंभू के हवाले सब कुछ छोड़ देना चाहिए। वही हमें रास्ता दिखाते। अहिल्या, आप महान है आई। बचपन से आपको देखती आ रही हूँ। कभी समझ नहीं आया कि आप ये सब कैसे कर लेती है। अपने दुख को दबा कर भुला कर सबको इतना प्रेम और स्नेह कैसे दे पाती है आई? कैसे करती है आप? अहिल्या, एक आई के अंदर कुदरत ने एक अलग ही ताकत दी है। एक आई जो है वो बड़े से बड़ी मुसीबत अपने अंदर झेल लेती है। वो कभी पानी बनकर बहने लगती है तो कभी आग बनकर जलती है। एक जननी है आई, जन्म देती है। एक आई से बढ़कर ताकत इस जग में किसी के पास नहीं है बेटा, किसी के पास भी नहीं। और तुम में वो ताकत है अहिल्या। कल महारुद्र की पूजा है तो कल मैं शिव जी से इस दुनिया में जितनी भी आई है उन सब के लिए ढेर सारी ताकत मांगूंगी। और ये भी मांगूंगी कि इस आई का हाथ मरते दम तक मेरे सर पर ऐसे ही बना रहे। ऐसे ही बना रहेगा? अक्का साहेब, <साहिए? coughs>
अक्का साहब, क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। नहीं, हम बिल्कुल ठीक है। नहीं नहीं, साफ दिख रहा है आप बेचैन है। नहीं अर्को भाई साहब, हम बिल्कुल ठीक है, बस जरा सी खांसी आ गई थी और कुछ नहीं। और क्या है कि आप हमारी चिंता मत कीजिए, पहाड़े में जो कुछ हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए। मल्हार सरकार की तबीयत ठीक नहीं है, उस पर ध्यान दीजिए। हमारा क्या, हम औरतों को तो छोटी मोटी बीमारियां होती रहती है, बस हम ठीक हैं, इसलिए आप चिंता मत कीजिए, हम बिल्कुल ठीक हैं। कोई आ रहा है। मैं तुमसे पूछने आई हूँ, क्या मालेराव यहाँ आया था? अब हमसे क्यों पूछ रहे हैं छोटी रानी? सारी योजना तो आप ही बना रही है। आपने हमें धोखे से वारे से बाहर निकालकर यहाँ नजरबंद करवा दिया। हमने आपसे कहा था ना कि आप कह दो एक बार, हम आपकी जिंदगी से चले जाएंगे, हमेशा के लिए चले जाएंगे। आपने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? मैंने कोई धोखा नहीं किया है तुम्हारे साथ केसर, बल्कि तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हें यहाँ सुरक्षित रखा गया है। और अगर मुझे तुम्हारे साथ धोखा करना ही होता ना, तो अब तक तुम जिंदा नहीं रहती। देखो केसर, मालेराव आज सुबह वाड़ी से चला गया है। हाँ, इसलिए मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या मालेराव यहाँ आया था? नहीं, वो नहीं आए थे। कहाँ गए होंगे वो? मालेराव यहाँ नहीं आया है, फिर कहाँ चला गया होगा? अहिल्या, ये राजाराम है, पिपली गांव का चरवाहा। इसके कहने के मुताबिक इसने मालेराव को राघोबा दादा के साथ गोपनीय तरीके से सरहद पार करते हुए देखा है। क्या? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जा सकते हैं। मेरा शक सही निकला, इसका मतलब मालेराव के साथ घात हुआ होगा। राघोबा दादा पर हमला करें? वो तो करेंगे ही, लेकिन अगर मालेराव अपनी मर्जी से राघोबा दादा के साथ चला गया है, तो उसे वापस भी अपनी मर्जी से ही आना होगा। और उसे वाड़े में वापस ले आने के लिए अब बस एक ही तरीका बचा है। क्या?
अहिल्या, ये सब क्या है? तूने खुद केसर को वापस उसके घर जाने के लिए कहा था ना, और राजी भी किया था, फिर ये सब क्या है? बाबा साहब, आप सही कह रहे थे, लेकिन अभी की परिस्थितियों को देखते हुए मुझे ये निर्णय लेना ठीक लगा। बाबा साहब देखिए, इस वक्त मालेराव की दुनिया केसर के इर्द गिर्द घूम रही है, और केसर अगर यहाँ आ गई है तो मालेराव इसे मिलने के लिए वाड़े में वापस जरूर आएगा। बाबा साहब आप ही विवेचना कीजिए ना, गणना कीजिए। अगर मालेराव राघोबा दादा के साथ है तो केसर का अकेला रहना ठीक नहीं है। बाबा साहब, केसर की सुरक्षा के लिए उसे वाड़े में ले आना मुझे उचित लगा, इसलिए मैं उसे यहाँ ले आई। मतलब मालेराव राघोबा के सहयोग के चलते वाड़े से भागा है? हाँ, ये राघोबा की कोई चाल है गंगोबा? तो कुछ ही समझ रहे हो, ये राघोबा की कोई चाल है? उनके साथ मालेराव बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, हमें वहां जाना होगा। नहीं बाबा साहब, देखिए आप इतना तनाव नहीं ले सकते, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। बाबा साहब हम सब देख लेंगे। देखिए मुझे ऐसे लगता है कि अगर मालेराव राघोबा दादा के साथ है, इसका मतलब ये होता है कि राघोबा दादा मालेराव पर हथियार इस्तेमाल नहीं करना चाहते, बल्कि वो मालेराव को हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है बाबा साहब? हाँ, तुम जो कह रही हो वो है, सही है। आइए आप बाबा साहब को कक्ष में ले जाइए, आप आराम कीजिए, हम सब देख लेते हैं, अब जाइए। मालेराव को वापस ले आना जल्दी। तो कुछ भाजी केसर, जाओ इनके साथ। केसर और मालेराव को अलग करके मैंने इतना बड़ा दांव खेला था, लेकिन फिर अहिल्या ने वही किया। उसकी राजनीति की समझ ने फिर से पांसे पलट दिए हैं। ये कैसे हो गया? अहिल्या बाई केसर को वापस वाड़े में ले गई। हाँ, और ये बात अगर मालेराव को पता चली तो वो यहाँ नहीं रुकेगा, सीधा वाड़े पहुंच जाएगा। अब आप एक काम कीजिए, मालेराव को यहाँ से कहीं दूर ले जाने का प्रबंध कीजिए। हाँ, हम भी चलते हैं संभाल के। कुछ तो बात हुई है दोनों के बीच, जिसे दोनों ही विचलित था, कुछ तो गड़बड़ अवश्य है। रुकिए सासू भाई साहब, क्यों ले आई आप इस केसर को इस वाड़े में वापस? मैं ना, मुझे एहसास है कि केसर की वजह से तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में उठापटक हुई है, लेकिन ये भी सच है कि केसर ने तुम्हारा जीवन बर्बाद करने के लिए कुछ नहीं किया, और अगर किया भी हो तो एक इंसान को भला बुरा कहने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। सुन भाई, अपने निजी जीवन से थोड़ा ऊपर उठो, दो कदम आगे बढ़कर राज्य और समाज के बारे में सोचना सीखो, और ये सारी धमकियां मुझे देना बंद करो, अब ये काम नहीं आएंगी।
और तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, अगर तुमने ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और उसके बाद भी तुम्हारे लिए जो फैसला करूंगी वो शायद तुम ना समझ पाओगी और ना स्वीकार कर पाओगी। देखिए राजकुमार मालेराव, समय हो चुका है, मालवा छोड़ना पड़ेगा। यहां से निकलने की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है, आप भी तैयार है ना? नहीं, हम तैयार नहीं है। हम केसर से मिले बगैर कहीं नहीं जाएंगे, कहीं भी नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप? सारी योजना हो चुकी है, अब ऐन मौके पर बदलाव मुमकिन नहीं है, और हमने ये तय किया था, सुरक्षा की दृष्टि से भी यही सही है, आप पहले आगे निकल जाइए, हम केसर को लेकर बाद में कुछ नहीं होगा, सब अभी होगा श्रीमंत। और वैसे भी कनौजी काका साहब यहाँ पर आए थे ना, कितनी जल्दी में वो यहाँ से चले गए, पर हमें जरूर लगता है कि आपके और उनके बीच केसर के बारे में जरूर कोई बातचीत हुई है। बताइए क्या बातचीत हुई है? देखिए समय भागा जा रहा है और आप सच बताने से भाग रहे हैं, है ना? ये सब बातें रास्ते में भी हो सकती है, हमें सूरज ढलने से पहले हमें केसर से मिलना है, ये संभव नहीं है। तो फिर बनाइए, क्योंकि हम मालवा की सीमा तभी पार करेंगे जब केसर हमारे साथ होंगे, वरना नहीं। आप अकेले ही चलेंगे, केसर नहीं आएगी। तो हम भी नहीं जाएंगे। वादा करती हूँ बाबा साहेब, जितना जल्दी हो सके मैं मालेराव को वाड़े में वापस लेकर आऊंगी। हम जानते हैं अहिल्या, देर सवेर तुम अपना हर वादा निभाते हो, लेकिन न जाने क्यों ऐसा लगता है समय बीता जा रहा है, बहुत तेजी से बीता जा रहा है। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं बाबा साहेब? आप ऐसी बातें मत कीजिए जिससे मेरी हिम्मत टूट जाएगी। आप मेरी ताकत है बाबा साहेब, प्रेरणा है आप। ये सही वक्त नहीं है, पता नहीं अहिल्या को ऐसे समय में अक्का साहब के बीमार होने की बात बताऊं कि नहीं, क्योंकि अहिल्या इस वक्त बहुत अकेली और बहुत भावनात्मक दबाव से गुजर रही है। छोटी रानी साहेब, श्रीमंत राघोबा इस वक्त कहाँ है ये पता चल गया है। मैं देखती हूँ। हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। नहीं बाबा साहेब, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको आराम करना चाहिए, और मैं जानती हूँ इस वक्त दवा की तरह है मालेराव आपके लिए, इसलिए मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं आपकी दवा साथ लेकर आऊंगी बाबा साहेब। जी अपना ख्याल रखना, आप ध्यान देना। आइए। अहिल्या, गौतम रानी साहब की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी चलो। केसर, 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 चली गई केसर। चली गई? कहाँ चली गई? बताकर नहीं गई है वो।
आज ही सासूबाई साहेब की तबीयत बहुत खराब है राजकुमार जी, अंतिम समय है उनका, वो आपको एक बार मिलना चाहती है। नहीं आई, कुछ नहीं होगा आपको, अभी तो आपको बहुत कुछ देखना है ना, आपके पोते के बच्चे, आपकी पोती के बच्चे, सब देखने हैं ना आपको। और आई, आपके बिना तो होलकर गृहस्थी टूट ही जाएगी आई, इसलिए आपको जल्दी ठीक होना है। मालेराव का, मालेराव वो, मालेराव है ना, वो आता ही होगा आई, वो आता ही होगा, आप चिंता मत कीजिए। आई, हाँ, देखिए मालेराव आ गया, हाँ मालेराव आ गया, देखिए मालेराव। बढ़िया जी, क्या हो गया है? कुछ नहीं बेटा, हमारे पास ना थोड़ा कम समय है। आप कैसी बातें कर रही हैं आजी? इसीलिए हमारी बात आप ध्यान से सुनिए। ये तुम्हारे आई साहब है ना, बेशक ये तुम्हारे साथ सख्त है, लेकिन हम जानते हैं कि इन्होंने तुम्हारा बुरा कभी नहीं सोचा, हमेशा तुम्हारी भलाई के लिए ही सब कुछ किया है। इसके बिना जाते जाते एक चीज कहना चाहते, अपने आई को समझो, वो सब कुछ तुम्हारे लिए करती। जी जी आजी, क्या हुआ? मैं ना राजकुमार जी, वो गांव वालों ने सूचित किया कि केसर ने कुएं में कूद के अपनी जान दे दी। जब तक हम पहुंचे बहुत देर हो चुकी थी। केसर आके खोलो अपनी, केसर 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 आके खोलो, ये क्या हो गया? केसर केसर आके खोलो, केसर कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, क्या हुआ केसर को? कोई वैसे को बुलाओ, कोई बुलाओ वैसे को, केसर केसर तुमने हमें धोखा दिया है, तुमने हमें वादा किया था ना केसर कि तुम हमें छोड़कर कभी नहीं जाओगी। केसर केसर आगे खोलो अपनी। केसर बाकी रहो, बेटा बांधे रहो, धीरज रखो। धीरज रखे, हम धीरज रखे भाई साहब, आप एक वादा तक नहीं निभा पाए, देख लिया क्या हो गया,
चली गई केसर हमें छोड़कर। आपने हमारे साथ विश्वासघात किया है सर। ले आप हमें बेला फुसला कर यहां पर लेकर आए और अब इसे भी मार दिया आपने, है ना ऐसा है? और आज से आपका और हमारा रिश्ता खत्म है ऐसा है, हमेशा हमेशा के लिए खत्म। और आपने इतना बड़ा विश्वासघात किया है ना ऐसा है, हमें आपका चेहरा भी नहीं देखना है, अब चली जाइए यहां से। केसर, केसर। आगे खोलो ना केसर, कुछ कुछ नहीं हुआ तुम्हें, तो आगे खोलो अपनी। आपको क्या लगता है हम आपको इतनी आसानी से छोड़ देंगे? हम आपको भी सजा देंगे। अब आप अपनी आंखों से यहां पर दो लाशें देखेंगी ऐसे। एक केसर की और एक हमारी। मालेराव, ये आपके लिए सजा है। अब हम अपने आप को भी समाप्त कर देंगे। देखिए अरे राव, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए नया जी। नहीं पिता, ये से ठीक नहीं है मालेराव। के वियोग के लिए आप अपनी जिंदगी ले लेंगे तो क्या उसका जीवन वापस आ जाएगा? नहीं 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 है। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। इसे छोड़िए अपनी। आपको हमारी कसम, छोड़िए छोड़िए। केसर हमें छोड़कर चली गई और ये सब कुछ सिर्फ इनकी वजह से हुआ है। नहीं माने रहो। नहीं बेटा, मिल गया सुकून, मिल गया ना, आप सबको मिल गया ना सुकून। मुझे और केसर को एक दूसरे से अलग करके और करिए ना उसे और हमें नजर बंद। अदर सर, हम हमें कुछ कर सकते हैं दादा सर, बुलाइए ना मैं जी को, हम नहीं रह सकते किसी के बिना दादा सर। खुद को संभालो, अलग रहो। बस इतना ही विश्वास था मुझ पर केसर, थोड़ा और इंतजार कर लेती तो। मैंने कहा था ना तुमसे, सब ठीक कर दूंगी। नहीं नहीं, कोई नहीं छुएगा केसर को, कोई भी नहीं। आप तो बिल्कुल भी नहीं ऐसे, मत छुइए हमें भी। केसर, केसर, मालेज क्या कर रहे हो मालेराव? मालेराव सरकार,
अक्का साहब आई संभाल के सरकार माले राव को बस है तो अनाथ है कि सर ऐसा नहीं कहते हैं बेटा अगर मैं मालवा की आई साहेब हूँ ना तो आज से मैं तुम्हारी भी आई हूँ नहीं छोटी रानी हम खुद पहले तो आई साहेब कहती थी ना तुम्हें ये वाड़ा छोड़कर जाना होगा कि सर वो भी मालेरा को बिना बताए संभव है तुम्हारे लिए मैना भाई तुम्हारा तो रास्ता साफ हो गया है तुम्हें चुनौती देने वाली देखो खुद चिता पे चल रही अब तुम्हें अपने पति को किसी से बांटना नहीं पड़ेगा तुम्हारा पति सिर्फ तुम्हारा रहेगा भाई साहेब मालवा के सिंहासन तक पहुंचने के लिए हमने आपके लिए और एक रास्ता बना दिया है ताकि आप आसानी से वहां तक जा सके और वैसे भी केसर के जाने के बाद माले राव किसी काम का नहीं रहा अगर उसमें कोई शक्ति बची भी होगी ना तो उसमें सिर्फ अहिल्या के लिए गुस्सा होगा और नाराजगी होगी हमें मात्रा अब आगे सब कुछ अंधेरा दिखाई दे रहा है हमको इस मात्रा का कोई असर नहीं होगा सरकार नहीं पीना हमें नहीं आई आप फिर से ऐसी बातें करने लगी मात्रा पीजिए चलिए देखिए आपको अभी सिर्फ अपनों की सुननी है मात्रा का सेवन करना है और इन सारी बातों के बारे में आपको बिल्कुल सोचना नहीं है आई ठीक है सोचिए ये सब सोचना क्या सब कुछ तो देख लिया है हमने बेचारी एक मासूम लड़की को अपनी तकलीफ के कारण शांति देते हुए देखा है हमने और हम लोग सरकार हम लोग कुछ नहीं कर पाए कुछ नहीं हाँ सब समय का खेल है मुझे कभी नहीं लगा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा मुझे नहीं लगा था कि मैं केसर को वाड़ी में ले आऊंगी तो वो आत्महत्या कर लेगी उसने जो भी किया वो मेरी नजर में
गलत है। जीवन अनमोल है ना? अनमोल अनमोल नहीं रहा भैया, जीवन अनमोल नहीं रहा, एक पीड़ा बनकर रह गया। ऐसी बातें क्यों कर रही है आप भाई? ये सब मत सोचिए आप, कुछ नहीं होगा आपको। हाँ कसैब, अहिल्या ठीक कह रही है, आपको कुछ नहीं होगा। जो होना था वो तो कल रात हो गया ना। यमराज मौत बनकर वाड़े पर आए थे, बेचारी केसर उसने मौत अपने सर ले ली। सच में आपको कुछ भी नहीं होने वाला। क्या ये सही समय है ये सारी बातें करने का मजलियाई साहब? क्या कह रही है आप? अहिल्या जी, बस बेटा तुम परेशान मत हो, परेशान मत हो। सुगंध सुगंध कुछ नहीं होता, तो ही अंत है बेटा। और अब तो बस हमारी सांसें किसी भी पल हमसे छिन जाएंगी, किसी भी पल। ऐसी बातें मत कीजिए आई, पापा से कही है ना इन्हें। अहिल्या जी ध्यान से हमारी बात सुनो बेटा, बस माले राव को, माले राव को एक बार यहाँ ले आओ। हम जानते हैं कि माले राव थोड़ा थोड़ा अटकी है, गलतियां करता रहता है, नादान है, लेकिन तुम तो उसकी आई हो ना। और एक आई आई का दिल बहुत बड़ा होता है बेटा, बहुत बड़ा। इसीलिए बस एक बार एक बार उसे हमारे सामने देखकर आज हम उसको और तुमको अपने सामने एक साथ देखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि तुम दोनों के बीच में अब कोई मन मुटाव ना रहे। बस एक बार माले राव को ले आओ। ठीक है, अब आप मात्रा पी लीजिए, चलिए पी लीजिए आई। हाँ बाबा साहब। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.